बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों। जब बच्चे घर का खाना खाकर बोर हो जाएं तो कुछ चेंज करें, वही चिकन और वही सब्जियां, मगर कुछ अंदाज नया। बच्चे खुश होकर ये बर्गर खाएंगे। मार्केट की महंगी बर्गर से घर में ज़्यादा मकदार में तैयार हो जाते हैं और हेल्दी भी हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो के आसपास उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने मैश कर लिया। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगी और चिकन लिया एक पाव के आसपास। इसके मैं इस तरह रेशे बना लूंगी। कोई फोक ले लें, उससे ना इस तरह रेशे बना लें। और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने शिमला मिर्च लिया। इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट लेकर आएगी और बच्चे खुश होकर खाएंगे। गाजर भी हेल्दी है, गाजर के भी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिए हैं। और प्याज लिए हैं, जिसे मैंने बारीक, बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिए। इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। नमक 1 टीस्पून, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इसके अंदर आप ऑरिगानो और सब्ज धनिया भी शामिल कर सकती हैं, मगर मैं इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं कर रही। इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी मैं डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने एक बड़ी परात में आलू डाल देने हैं, जिसे मैंने मैश करके रखा हुआ था। उबला हुआ और रेशा किया हुआ चिकन, इसको मैंने अदरक लहसुन की थोड़ी सी पेस्ट डाल के ना उबाल लिया था और पानी अंदर ही खुशक कर दिया था, ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और इसके अंदर ये सारे मसाले चले गए और मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दिया। इससे बहुत अच्छा और बारबेक्यू का टेस्ट आता है ज़ीरे से। सब्जियाँ इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चूँकि मैंने इसके अंदर अंडा नहीं शामिल करना, तो मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी ताकि हमारे कबाब टूटे ना, और इसे मिक्स कर। अगर हमारे पास 1 पाव चिकन और 1/2 किलो आलू हैं, तो 2 से 2.5 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर इसके अंदर नहीं शामिल करना। कबाब के अमेजे को मैंने मिलाकर साइड पे रख दिया। इसे अच्छी तरह मैंने गूंद लिया था, आप भी इसी तरह कीजिएगा कि इसे अच्छी तरह गूंद लें। इसके लिए मैं अच्छी सी मज़ेदार और आसान तरीके से बनने वाली सॉस तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने दही लिया है। दही मीठा होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए, और दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लेना। ये इतनी मज़े की सॉस बनेगी कि बच्चे शौक से खाएंगे। जो बच्चे दही नहीं खाते, वो इस तरीके से हम ये दही खिला सकते हैं। और घर की बनी हुई चटनी, पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च, ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बार बार बर्गर बन पे कोई ना कोई इस तरह हम चीज़ लगाते हैं, तो हमें हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और हम एक ही दफ़ा हर चीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके अंदर मैं ये मायनीज डाल दूँगी, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। इससे इतने अच्छे जूसी ये बर्गर तैयार होंगे। अगर आप लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चे शौक से खाएंगे। जब बच्चों ने सुबह कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल जाना होता है, तो हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। ये तैयारी हम रात को ही कर लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर हम शाम की चाय में या बच्चों को रात को छोटी मोटी भूख लगी हो, तो उसमें भी ये बनाकर दे सकते हैं। याद रहे कि हमें इन कबाबों को बनाकर फ्रीज नहीं कर सकते। सर्दी का मौसम है तो इसे 2 से 3 दिन तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। जितनी ज़रूरत है तो उतना ही हम इसके अंदर से अमेजा लें और कबाब तैयार करें, और ये सॉस भी आप तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि दही खट्टा ना हो। ये देखिए, अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर देना। अब मैं इसके कबाब तैयार करूँगी हसब ज़रूरत, जितनी मुझे ज़रूरत होगी। इसी तरह मैंने हाथ से बना लेने, किसी सांचे की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जितने साइज़ का आपका बर्गर है, कोशिश करें कि उतने ही साइज़ के हम इनकी टिक्कियाँ तैयार करें। मेरे पास 4 बर्गर बन रहे हैं, तो मैं 4 ही तैयार करूँगी, बाकी हमेशा मैं फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमने बाकी की तैयारी रात की हो, तो सिर्फ ये हमने बेशक बना के भी रख लें, आप फ्रिज में फ्राई करें और ऊपर मज़ेदार सी इसकी सॉस जो तैयार की है वो लगाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में रख दें। एक मैंने तवा लिया और चूल्हे पे रख दिया। आप पैन भी ले सकती हैं, तवे पे बड़ा अच्छे ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हमने हल्की फुल्की फ्राई करनी हो तो
जिसके अंदर हम ऑयल का कम इस्तेमाल करते हैं, तो तवा एक बेस्ट पैन है जो हमारा आम सबके घरों में मौजूद होता है। तवा भी इतना अच्छा हो जाता है, ये भी नॉन स्टिक का काम करता है, इसके ऊपर चीज़ नहीं चिपकती। जब हम मसलसल पराठा या अंडा बनाते हैं ना, तो हमारे तवे बड़े अच्छे होते हैं हमारे घरों में। एक मिनट इसी तरह ये पकेगा, एक मिनट के बाद मैं साइड चेंज करूँगी। याद रहे कि हमने आँच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी और ना ही ज़्यादा हल्की होनी चाहिए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। अब मैंने सबकी साइड चेंज कर दिया और इसी तरह ये पकेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर मैं इसे उतार लूँगी। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया। कॉर्नफ्लोर वाली टिक्की बिल्कुल ये होल्ड कर लेता है, कॉर्नफ्लोर आलू और चिकन को और सब्जियों को जो कि हमने बारीक काट कर डाली हुई है। प्यारा सा गोल्डन कलर आने पर मैंने इसे तवे से उतार लेना है और इसी तरह मैंने जो एक बचा है ना उसको भी मैंने फ्राई कर लेना है। देखिए एक हमारा कबाब तैयार हो गया, कितना प्यारा इसके ऊपर गोल्डन कलर है और ऊपर से क्रिस्पी भी है। अब बारी आती है बर्गर बन की। थोड़ा सा मैंने ऑयल डालना ऊपर और चूल्हे को मैंने आहिस्ता कर देना और इसके ऊपर मैंने इस तरह इनकी ये अंदर वाली साइड है ना इसे सेक लेना, हल्का हल्का सा क्रिस्पी करना है। याद रहे कि आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि जो ब्रेड होती है ना वो जल्दी जल जाती है। बच्चों और बड़ों की आज हो जाएंगी मौजें। सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये सॉस लगाऊंगी। इतनी मज़े की ये सॉस है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी और काम भी मैंने आसान कर दिया है। बार बार केचप लगाओ, मायनेज लगाओ, चटनी लगाओ, ऐसी चीज़ों से हमने अपनी जान छुड़ा ली है। और इसके ऊपर ये टिक्की रखेंगे, हमें किसी सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है शिमला मिर्च जो कि चाइनीज़ जायका लेकर आएगी। इसी तरह मैं दूसरे के ऊपर भी लगा दूंगी। ये ज़रा जूसी हो जाएंगे ना तो बच्चे शौक से खाएंगे। बर्गर बन के अंदर चीज़ें संभल करने से पहले इस बात का यह ध्यान रखना है कि बर्गर जब हमने सेके थे ये गर्म है, इसे ठंडा होना चाहिए। और जो हमने बर्गर के लिए टिक्कियाँ बनाई है वेजिटेबल और चिकन और की, तो वो भी ठंडी होनी चाहिए ताकि ये जो हमने मज़ेदार सी सॉस बनाई है ना तो ये इसके अंदर ख़राब ना हो। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।